नमस्कार, मैं अजीत शाह, क्या आप देख रहे हैं डीएस फोर न्यूज। इस टाइम हम मौजूद है समापुर बादली में और समापुर बादली की जनता हमारे साथ मौजूद है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एमसीडी इलेक्शन बहुत ही करीब है, 4 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। और वहीं ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है और तीनों पार्टियाँ अपना अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार एमसीडी हमारे हाथ में होगी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन ये जनता का मूड होगा, इस बार जनता किसको पसंद कर रही है और किसको एमसीडी में लाने वाली है। हमारे साथ जनता मौजूद है, हम बात करते हैं। चाचा, एमसीडी में बीजेपी है 15 साल से, कितना काम काज हुआ है? उसने कोई काम किया है? कोई काम नहीं दिया। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है उसने। बीजेपी तो बोल रही किया है। बीजेपी ने, वो कहते रहो अपनी प्रशंसा में, वो कुछ भी कह दे, लेकिन मैं ये कहता हूँ, विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि उस आदमी ने, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। आज 15 साल के बाद भी बीजेपी जो है ना तो किसी की कर्मचारियों की पेंशन सैलरी वो नहीं दे पा रही। अच्छा, तो पैसा चाचा कहाँ जा रहा है फिर कर्मचारियों वाला? ये तो वो जाने जी। अच्छा, बीजेपी वाले? नहीं, हाँ, नहीं कह सकते। अच्छा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब हमने एक दिन अखबार में ही देखा था कि भाई बीजेपी कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी 15 साल रहते हुए, 15 साल शासन चलाते हुए, लेकिन एक बात ये है, उसने आज तक कोई काम समाज हित के लिए कोई काम नहीं किया। कोई नाम, कोई काम नहीं किया? नहीं है जी, बिल्कुल। बीजेपी तो कहती है हम काम ही सारे समाज हित के लिए करते हैं। वो कहते रहे अपनी प्रशंसा में, तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन कोई काम समाज हित के लिए कोई काम नहीं किया। ना पेंशन है, ना सैलरी है, ना डीएवीए है, कोई नहीं काम दिया उन्होंने। अच्छा, कोई काम नहीं। बीजेपी कह रही है हमने नाली अच्छी करा दी, हमने रोड अच्छी करा दी, हमने सड़कें अच्छी करा दी हैं, एकदम बेहतर है लोगों की जिंदगी। बीजेपी का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया हो, उसने कोई काम किया हो, मेरे ख्याल में कोई नहीं है। कोई नहीं आया? ये सारे पेंशन मिलती है? नहीं मिला। पार्षद जी का शिकायत नहीं किया? बनाएंगे, कोई आ गया है नहीं बनाने वाला, कोई हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता, हेल्प करने कांग्रेस चला गया, सारी चीज चला गया। अच्छा, तो चाचा किसकी क्या कह रही है अम्मा? बड़े परेशान इधर आई, यहाँ कागज भी रद्द करके गेर दिया, मैं भर के थी लॉकडाउन पहले। अच्छा, और मेरे पेंसिल बड़ी को नहीं मारी तो कागज फेंक दिया। कागज फेंक दिया हमारा। अच्छा, नहीं वो तो कह रहे हैं हम भी कर रहे हैं काम, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जा जाकर रो के आई, सुने ढेर डाला मेरे कागज ले लिया भूरो नगर निगम वालों के पास। अच्छा, अच्छा काम सड़कों पे कितना काम हुआ है, नालियों में कितना काम? कुछ भी हो रहा है, 15 नंबर गली में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी ना हो रहा है। अच्छा, मारकांड तो फिर क्या करने वाले इस बार? मैं क्या करूँ, तो वोट जाने देंगे, जाने दुआ होगा जाने दे देंगे बस्ती माता में। अच्छा, मारी पेंशन बननी चाहिए। पेंशन नहीं बनी? नहीं बनी, दोनों आके बुढ़ा बुढ़ी। माता जी के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए, बोलिए उनसे कि हमारी पेंशन बनवाइए। कल भी चली जाऊंगी, मैंने जान की मत का ऑफिस में जाऊंगी केजरीवाल के। अच्छा, मैं चल जाऊंगी, ई वी ओ बनेगी, हाथ वाली बनेगी। तो फ्री तो दे रहे ना, आपके लिए बस भी तो फ्री कर दी है। तो बस हम कहाँ घूमांग, हमारे क्या काम से? हम काम कराने, हम काम कराने, धंधो कराने भाई, और किराया के मकान में किराओ आ जाए। अच्छा, टिकट सी दौड़ने से क्या फायदा? बिजली फ्री दे दी है, पानी फ्री? हाँ, कोई फ्री ना। अच्छा, कोई फ्री ना, बिजली को बिल आओ सर, बिजली को बिल आओ सर भाई। हाँ, भरा सा बिजली को बिल भरे हैं बिजली, और के फ्री नहीं है? फ्री किमी को नहीं मारो, आम आदमी वाले कहते हैं फ्री है। यो पानी थोड़ा दिन देखो, वो सब का वो देना, वो भी काट देखो को मांस। अच्छा, हां इधर घूमिए, क्या दिया है फ्री? माता जी इधर घूमिए, इधर घूमिए, आम आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं बताइए। हां, गिद्धवा का दौड़ते 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 तो पेंसिल आ ही रहा, थोड़ा इधर हो जाना, वो गाड़ी को निकल जाना, जन्म पत्री लो तो यो लो तो वो लो, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, दौड़िए नहीं सकती। अच्छा, हुआ जाओ तो हुआ जाओ तो हुआ जाओ, क्या करा है विधवा के लिए? जब कुछ नहीं करा तो आम पार्टी क्या करा? अच्छा, और बीजेपी वालों ने अब उसके लिए तो जब भी जाते थे आधे रात को भी जाए तो कुछ, जब उसका जीता हुआ था तो कुछ ना कुछ करे, ऐतिहासिक बनाए तो वही कहीं तो बनाए। अच्छा, और मुझे एक तो विधवा हो तो कोई, कोई केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी में हमें लाएगी, आम आदमी पार्टी वाले। हाँ, खूब कर दिया आम पार्टी वाले, तो इतना कर दिया कि एकदम चमका ही दिया है, कूड़े को चमकाता है, कूड़े को चमकाने से पेट भर जाता है। अच्छा, सब है बेटा बेटी वाली। हाँ, बेटा का कितना इंतजार करूं? अच्छा, पिलसिन के लिए,
कोई कहा विधवा पेंशन बन जाएगा उसके लिए भागते रहे, कोई कहा क्या कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं, दौड़ कर बैठ गई आराम से, कोई नहीं सुनवाई। भैया थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दीजिए उधर से। दादाजी बड़े नाराज लग रहे हैं बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, ऐसा क्या होगा क्योंकि बीजेपी 15 सालों से कह रही हम बहुत अच्छे काम। ऐसे है, पहले शीला दीक्षित जी थी, हमारी पेंसिल उनने बनवाई थी, देवेंद्र यादव जी ने, उनके जाने के बाद न तो पेंसिल बनी है, किसी से पूछ ले जितने बुजुर्ग हैं जी, ना कोई विधवा पेंसिल बनी है जी, कोई भी काम नहीं। ये झूठे वादा करता है, झाड़ू वाले झूठे वादे झूठ बोलता है, बिजली माफ कर दी, ये कर दी, किसके घरों में माफ हो रही बिजली, ये बताओ आप। नहीं कहते अब बिजली, कह रहे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कुछ माफ नहीं है जी, महिलाएं कोई माफ नहीं है जी, कुछ नहीं है, पानी है, पानी बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा पानी पीने के लिए है ही नहीं जी। अच्छा पेंसिल लो तो कितनी, किसी को पेंसिल नहीं मिली अब तक बताओ आप। अच्छा जी, 4-4 महीने बुजुर्ग बेचारे क्या करें बताओ आप, पेंसिल नहीं मिली ना, कुछ बताओ नहीं, विधवा पेंसिल मिलती है ना, शिकायत करिए ना, जाके शिकायत करिए, किससे शिकायत करें जी। अच्छा किससे शिकायत करें बताओ, एमपी है बीजेपी का, वो हमारा कोई शकल ही नहीं, एमएलए का हमारा कोई रोल ही नहीं, यहाँ पता ना कहाँ रहते हैं, हमने पता ही नहीं, ऑफिस में ही नहीं बैठ, जब तक देवेंद्र यादव दीदी तुत्ती बोलती थी, हाँ तुत्ती बोलती थी, कांग्रेस से थे क्या वो, कांग्रेस से। अच्छा हाँ जी, मजबूत कैंडिडेट है वो इस इलाके के, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं करी, कांग्रेस खत्म हो गई है, कौन कहता है जी, अब देखो ना झटके क्या है, अब देखो क्या होता है, इस बार झटका लगेगा, झटका बिल्कुल बिल्कुल जी लग चुका है। हाँ जी, झाड़ू वाले झूठे वादे करते हैं। अच्छा हाँ जी, कहाँ झूठे वादे कर रहे, कह रहे दिल्ली की, क्या सच्चाई, दिल्ली की जनता तो खुश लग रही है, कह रहे खुश है, अब देख लेंगे खुश है तो। अच्छा आप 5 दिन और रुक जाओ फिर देख लेना खुश कौन है। अच्छा हाँ जी, झूठे वादे जी, पेंसिल बेचारे बुजुर्ग तड़पने लग रहे हैं, हमारे जमाने की पेंसिल नहीं चल रही है, इतनी दिक्कत है अगर बीजेपी सरकार से तो 15 साल से कैसे आ रही है एमसीडी में, फिर कब आ रही है, अब नहीं आएगी जी। अच्छा अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, 3 बार से तो आ रही है ना, बस आ गई, वो आ गई बस, मौका मिलेगा उनको, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, नहीं जी नहीं, और आ गई फिर तो नहीं आ सकती जी। अच्छा कांग्रेस आएगी, कांग्रेस किन किन मुद्दों के साथ कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस अगर एमसीडी में क्या करेगी, पेंसिल है लोगों की बिल्कुल, पानी की समस्या हल हो जाएगी जी, ठीक है, सफाई की व्यवस्था हो जाएगी जी, और क्या चाहिए लोगों को बताओ। तो ये तो बीजेपी भी दे रही है ना, कह रही है कि हमने पानी भी दिया है, सफाई भी कर रहे हैं दिल्ली की, सफाई कर रहे हैं, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, हम नहीं कर रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, कहने से क्या होता, पब्लिक को पूछो ना, हाँ बहुत कौन बीजेपी सफाई कर रही है, बीजेपी तो कह भी रही है काम किए, काम के नाम पे वोट, बिल्कुल काम, बीजेपी ने एमसीडी पे तो बिल्कुल काम नहीं कर रखे, प्रचार नहीं, हम काम पे वोट, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस कर रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान भी देंगे, कांग्रेस झूठे वादे तो कुछ भी कर लो, केजरीवाल भी कहता है जी मैं सब कुछ फ्री दूंगा, पेंसिल दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, बात तो कुछ भी कर लो, भरोसा नहीं है क्या, नहीं जी मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, और कुछ भाई ये बात करता है, ये केजरीवाल कहता है। रोजगार पे कितना काम हुआ है, कुछ रोजगार नहीं हुआ, क्या मिला बताओ आप, वो शीला दीक्षित जी ने बनवाए थे मेट्रो, मेट्रो की देन शीला दीक्षित जी की, अंडरपास है उनकी देन है, बस ये तो उनपे झंडे फहरा था खाली, हमारी एमसीडी, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी एमसीडी में डबल रफ्तार से विकास हो रहा है, सड़कों नालियों और स्कूलों का, पार्क विकास नहीं हुआ जी। अच्छा कोई विकास, मैं चाचा से बात कर रहा हूँ, बहुत देर से पीछे से कुछ बोल रहे हैं, अब बताइए क्या बात है, इतना क्यों नाराज दिख रहे हैं आपके इधर के लोग, नाराजगी का सबब है ना, नाराजगी इसलिए हो रहा है कि कोई भी काम इस यादव नगर में को नहीं हुआ है, 5 साल से केजरीवाल के पार्टी बैठे हुए हैं, कुछ भी काम करके नहीं दिया है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, बेफजूल काम गेट लगवा दिया, इससे जो कोई फायदा नहीं है, फायदा वाला काम वही होता कि पब्लिक को फायदा उसमें हो रहा था कि पब्लिक को पानी का तब इतना तलब है, इतना परेशानी है पानी यादव नगर वाले के लिए, पानी के समस्या का, जो कि पानी नहीं मिल रहा है, आप देखिए राजा बिहार से ला ला करके पानी पीता था, अब राजा बिहार भी बंद हो गया, आदमी तड़प रहा है पानी के लिए, गरीब आदमी 200 रुपये का रोज महीना कमाता है, 2000 रुपये का तन किराया देता है, अब पानी लेगा किराया देगा कि रोटी खाएगा, क्या करेगा आदमी, पब्लिक पानी के लिए इतने ही परेशान है यादव नगर का पब्लिक की पूछो मत, आम आदमी कहती है हमने फ्री दिया है पानी, कहीं नहीं है पानी, कभी आम आदमी पार्टी को बुलवा के लाओ, हम बताएंगे उसको। अच्छा। कभी इधर गाड़ी नहीं, हाँ आता है उस साइड में आता है पानी, लेकिन यादव नगर में पानी नहीं आता है, कोई एक कभी गाड़ी नहीं, आपके इलाके में नहीं आ रहा, नहीं आ रही है, हमारे इलाके में नहीं आ रहा, कह रहे पूरी दिल्ली को हम फ्री दे रहे हैं, पूरी दिल्ली में देता तो बोलते नहीं है। अच्छा किसका टाइम सही था, शीला दीक्षित का, शीला दीक्षित जी का, हाँ कांग्रेस का टाइम, कांग्रेस का ही टाइम, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है इसमें आम आदमी, क्या दिक्कत हो रहा है भाई साहब, फैक्ट्री में काम करने जाता है, बेलदारी करने जाता है, प्रदूषण लगा के काम बंद कर देता है। अच्छा प्रदूषण लगा के काम बंद कर देता है, सारे मजदूर बैठ जाते हैं, मजदूर परेशान हो जाते हैं, खाने के लिए तरफ किराया देने के लिए पानी के लिए परेशान हो जाता है,
हमारा कांग्रेस था, हमको किसी चीज की तकलीफ नहीं था, किसी चीज की तकलीफ, किसी चीज की। अच्छा, रोड रोड कैसे हैं एमसीडी के, जो नगर निगम के रोड हैं और नालियां हैं, सफाई फाई होती है दिल्ली में? नहीं होता, ये देखिए नाली रोज साफ करते हैं, हम करते हैं अपने हाथ से, अपने हाथ से। नगर निगम वाले क्या करते हैं? आता ही नहीं, तो बोलिए ना, नगर निगम में जाके शिकायत करिए। फोन करते हैं तो अब सुनता ही नहीं, कहते हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, पांच दिन के बाद ऊपर शिकायत करिए, पार्षद जी से पूरा दिन आ रहा है। बीजेपी बैठी हुई है, इसने कोई काम नहीं किया है, एकीकरण हो गया है लेकिन सफाई वफाई नहीं हो रही है। अच्छा, 8 साल भर से पहले क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहे हैं ये जिसकी तनख्वाह है, नाले 30,000 रुपए का तनख्वाह है, आता है 5 दिन पे 6 दिन पे यहाँ साफ करने, जब तक मैं कुत्ते लग रहे हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, मक्खी लग रहा है, गिना रहा है। जब गंदा होता है तब सफाई हो जाती है, जब गंदा होता है तब सफाई, सफाई होता है, जाम हो जाता है रास्ता ये रोड, तब जा करके सफाई होता है, उसमें भी अपने आप करना पड़ता है, अपने आप करना पड़ता है। उधर से चाचा आता है, पार्षद जी को शिकायत करिए ना, साफ कर दे, साफ। पार्षद जी को शिकायत क्यों नहीं करते? करते हैं तो मिलता ही नहीं है पाठक जी, तो कैसे मिल जाए, जाते हैं वहाँ मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं है। विधायक को टाइम नहीं है। पार्षद जी को, पार्षद जो है जो आया है अब तो साल भर हो लिया, बीजेपी कायम है, बीजेपी ही करा रही है जो कुछ कर रहा है। ये गंदी नाला जो है कितनी पड़ी हुई है, अच्छा। सफाई वफाई नहीं हो रही है कभी, अच्छा सफाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो इस बार क्या करने वाले हैं? दिन बैठे रहते हैं रोड पे, इस बार क्या करने वाले हैं? हम लोग कांग्रेस में देने वाले, कांग्रेस को जिताएंगे। क्या करने वाले भैया? कांग्रेस को, कांग्रेस को क्या करने वाले भैया? कांग्रेस को क्या करने वाले भैया? कांग्रेस। चाचा क्या करने वाले हैं? कांग्रेस में तैयार हूँ। कांग्रेस में दोगे वोट? चाचा किसको दोगे वोट? बिल्कुल किसमें कर, किसको समर्थन कर? कांग्रेस का है। किसको समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस को देंगे। नहीं देंगे, जिसको देंगे वो नहीं, समर्थन किसको दे रहे हैं? कांग्रेस को। पसंद आ रही है कांग्रेस? भैया जी सबसे मेन मुद्दा यहाँ का है, एक तो पेंशन का, फिर एक सफाई का, और वादे इतने होते हैं कि आप अभी इधर निकल जाओ, वादे ही वादे मिलेंगे आपको, काम कुछ नहीं, ठप पड़ा है सब कुछ। पानी का भी, पानी एक गली में आता है, वो ऐसा पीला पीला सा पानी आता है जैसे काई वर्गा, उसको कोई पी के राजी नहीं, आधे आदमी बीमार भी हो चुके हैं। फ्री भी तो मिल रहा है, फ्री का फिर क्या करें ऐसे फ्री का भैया, जिससे बीमारी आए। अच्छा, हमें चाहिए प्योर पानी, और वो सिर्फ देवेंद्र यादव जी ही ला सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, और कोई नहीं ला सकते उनके पहले। आम आदमी पार्टी फ्री दे रही है भैया, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम फ्री दे रहे हैं। वो लॉलीपॉप वाला फ्री है जी, पूरा वाला फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री दे रही है, बसों में किराया भी फ्री, पूरा फ्री चाहिए। एमसीडी बीजेपी कह रही है एमसीडी में, हम पूरा तीन बार थे बीजेपी में, पूरा फ्री चाहिए। खाली खाली बस का किराया इनमें ना, तो हम जाते कहीं भाई, ठीक है, महिलाएं तो जा रही है ना, महिलाएं जा रही है, हमारी कौन सी महिलाएं ड्यूटी करने जा रही है भैया? अच्छा, तो इस बार किसको चाह रहे हैं भैया जी? समझे, रुकिए, अच्छा आ रहे हैं, चलिए। हाँ तो फिर इस बार किसको लाना चाहते हैं भैया? हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस? मुद्दे के साफ सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का, सबसे मेन है पानी का, और लेडीजों की पेंशन है, बुढ़ियाओं की पेंशन है, जो कि बहुत परेशान है, आके शिकायत करती हैं ऑफिस पे कि जी हमारी पेंशन कट गई है, 700-800 पेंशन कट चुकी है इस एरिया से, बादली विधानसभा से, तो वो सबसे पहले पेंशन चालू करवानी है, और मेन मुद्दा है पानी का, साफ सफाई का। आप नाली की तरफ वो फोकस नहीं हो रही साफ सफाई बिल्कुल, ये देखो, अच्छा अगर ये कैमरा देख लोगे तो 2 मिनट में पता चल जाएगा कि सफाई नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? ये सफाई इसलिए नहीं हो रही, एमसीडी में 10 साल से बीजेपी की, 15 साल से, हाँ 15 साल से बीजेपी की सरकार है, और इस एरिया में इस बार केजरीवाल जी को मौका दे के देखिए, अच्छा सफाई ऐसी सफाई हो जाएगी, आप लोग भी देखते रह जाओगे। ऐसे कह रहे केजरीवाल को मौका दीजिए, देरी भी दे रहे, सफाई भी का सीएम बना लिया भाई हमने, कह रहे सीएम बना के ले लिया। बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, ठीक है, और वो कूड़े घर तो बहुत 50 साल से बना। बोलिए भैया, भैया अपनी बात बोलिए। बाईपास बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, एक बार 15 साल से उसकी बीजेपी की सरकार है ना, एक बार मौका दे के देखिए। किसको? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को, हाँ जी, ऐसी सफाई हो जाएगी, बहुत बढ़िया। चलिए इनके हिसाब से केजरीवाल जी को मौका दीजिए। यहाँ के विधायक है इस टाइम अजय यादव जी, हाँ विधायक छोड़िए, हम एमसीडी नगर निगम की बात सुनो, यहाँ के, हाँ यहाँ के विधायक है अजय यादव जी, पहले विधायक थे यहाँ के देवेंद्र यादव जी। विधायक छोड़िए आप, हम बात करते हैं एमसीडी में कितना काम हुआ है। मेरी बात सुनो,
अच्छा वहीं आ जाएंगे, विधायक ही तय करते हैं निगम पार्षद, ठीक है, और जब तक उनकी सरकार रही यहाँ किसी चीज की कमी नहीं हुई। अच्छा, देवेंद्र यादव जी के यहाँ हर एक जगह आप किसी से पूछ के देख लो कि देवेंद्र यादव के राज में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, हमें तो आई नहीं। और बीजेपी के राज में? बीजेपी का राज ही नहीं रहा जितना एमपी में, एमपी के साथ एमसीडी में है ना, एमसीडी में कुछ कैसा काम नहीं हो रहा जी, नहीं है ना, नहीं है। इस बार क्या करने वाले हैं? नील कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस किसको लाने वाले हैं इस बार? केजरीवाल जी को लेकर। भैया किसको लाने वाले हैं एमसीडी में? भाई कांग्रेस को ही, कांग्रेस को। भैया किसे रहेंगे? अलग अलग जगहों के अलग अलग माहौल दिखाते रहेंगे, लोगों से बात करेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।